केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं नंदन झा। बिहार में गांव की सरकार के बाद शहर की सरकार का समय है और शहर की जनता अपने सरकार को चुनने को बेताब बैठी। चुनाव में विलंब हो रहा है, उम्मीद है कि सितंबर माह में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और सभी प्रत्याशी एवं भावी प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार बैठे। कोई जनता को अपने बारे में बता रहे हैं, कोई अपने द्वारा किए गए कार्यों को गिना रहे हैं, कोई अपनी काबिलियत को समझा रहे हैं, कोई ये दिलासा दिला रहे हैं, भैया मैं इस क्षेत्र का भगवान या तारनहार बनकर आपके यहाँ होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भागलपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर नवगछियान मंडल का। नवगछियान मंडल, यूँ कहें नवगछियान नगर परिषद की, नवगछियान नगर परिषद से इस बार के भावी चेयरमैन प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार सुमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। यूँ कहें सुरेंद्र कुमार सुमन जी एक शिक्षाविद हैं, शिक्षण संस्थान चलाते हैं एवं बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स एवं बड़े बड़े राजनेताओं के साथ उनका उठना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास किस ओर होगा, विकास किस ओर होगा। राजनेताओं के साथ बैठक, ब्यूरोक्रेट के साथ संबंध, लेकिन इनसे भी बढ़कर इनकी एक पहचान है, वो पहचान है देश सेवा। इन्होंने देश सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए अनेकों काम किया और देश सेवा में अपना योगदान दिया। जी हाँ, ये एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और अपने आप में एक डिसिप्लिन नेता के तौर पर नवगछिया में भरना चाहते हैं और नवगछिया का विकास पुरुष बनना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं सुरेंद्र कुमार सुमन जी से और जानते हैं इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और राजनीति में आने का कैसे मन बनाए। इस फील्ड में तो आना था ही नहीं, लेकिन जब नवगछिया की स्थिति को देखते हैं, 2016 में नवगछिया आए तो लगा कि नवगछिया कंप्लीट नेता विहीन क्षेत्र है। कहीं भी विकास का काम, चाहे रोड हो, रेलवे फ्लाईओवर हो, या यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से 100 बेड का हॉस्पिटल होनी चाहिए। आज आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, पेशेंट रेफर होता है मायागढ़ और जाते जाते बीच रास्ते में बड़ होता है मायागढ़ और जाते जाते बीच रास्ते में बहुत सारे हमारे जो घटना से पीड़ित जनता है वो गुजर भी आते हैं। इसके बाद देख रहे हैं नवगछिया के दोनों तरफ कटाव क्षेत्र हो, बिल्कुल कई सालों से कटाव के लिए लाखों करोड़ का खर्चा हो चुका है, कहीं कटाव रुका नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है अब हमारे सरकार के लिए। उसके बाद यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से एक सेंट्रल स्कूल होनी चाहिए, वो नहीं है। जनसंख्या के हिसाब से 100 बेड का हॉस्पिटल होनी चाहिए, वो नहीं है। कई सालों से देख रहे हैं रेलवे क्रॉसिंग में फ्लाईओवर नहीं है। ये सब समस्या को देखते हुए लगा जब नेता विहीन पूरे नवगछिया क्षेत्र है और नवगछिया में अब जीना मरना है तो नवगछिया के लिए क्यों नहीं काम किया जाए। नवगछिया भी एक देश का एक अंग है, बिल्कुल। नवगछिया के अगर सेवा करते हैं, नवगछिया की जनता के साथ जुड़ के नवगछिया के विकास के लिए कुछ करते हैं, वो भी एक देश सेवा हुआ। जिस तरह पहले इंडियन एयरफोर्स में रहते हुए हम कारगिल युद्ध के ऑपरेशन में रहे तो देश सेवा किए, हम जनता का भी अगर सेवा करते हैं वो भी एक देश सेवा होता है। तो हमारे प्रति एक भावना है देश के लिए कुछ काम करें। समय हमारा बहुत कम बचा हुआ है जीवन का, उस कम समय में जो बहुत अब ये 3/4 हम लोग निकाल चुके हैं जीवन का, 1/4 जीवन का बचा हुआ है, 1/4 में अपने राष्ट्र के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए, अपने शहर के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो अपने से तो मेहनत करके आज चलिए हमारे स्कूल में 100 से ज़्यादा बच्चे, हमारे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं पूरे समाज को उठाना चाहते हैं, वो हमको पावर चाहिए जो हम नवगछिया के विकास के लिए कुछ कर सकते हैं। वो पॉलिटिकल पावर है, सरकारी डेवलपमेंट का काम है, वो हम उसी फील्ड में जाके कर सकते हैं। चलिए बात करें नवगछिया की, बात करें विकास, नवगछिया के विकास के लिए 5 ऐसे काम जो सोचे हैं।
सबसे पहला काम है कि 100 बेड का हॉस्पिटल। चलिए, बहुत बड़ी बात। कारण यह है कि सर तमाम गरीब जनता कभी ब्लड टेस्ट, कभी यूरिन टेस्ट के लिए भागते हैं शहर, कभी पूर्णिया भागता है, कभी भागलपुर भागते हैं, कभी रेफर किया जाता है। तो एक यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से डिमांड करेंगे सरकार से, जनसंख्या के हिसाब से 100 बेड का हॉस्पिटल चाहिए तो चाहिए, नहीं जिसके लिए हम प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से सेंट्रल स्कूल चाहिए यहाँ पे। चलिए, बहुत तो सबसे जो प्राइम मुद्दा है कि नगोछा को जिला बनना चाहिए। चलिए, जिला बनने के लिए हम लोग काफी मेहनत करेंगे। उसके बाद बातमा हमारे जो नगोछा में जाम लगता है, नदी नगोछा के पीछे खनाई नदी है, नदी के ऊपर एनएससी से लेकर स्टेशन तक एक मेरीन ड्राइव टाइप का रोड होना चाहिए, जिसको हम लोग कह सकते हैं बाईपास रोड। उसका टेलीफोन एक्सचेंज से लेकर भवानीपुर चौक तक एक बाईपास रोड होनी चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे नगोछा नगर परिषद की जनता का जो जाम से हमेशा उसकी परेशानी होता है, जाम से निजात मिले। एक नगोछा मार्केट की एक समस्या है, वहाँ हर समय जाम रहे। नगोछा मार्केट को लेकर कुछ सोचे? मार्केट को ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले अगर जितने फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, उसकी पार्किंग, उसके पार्किंग व्यवस्था अगर कहीं हो जाए, नदी के किनारे जो रोड बनेगा उसी रोड के साथ पार्किंग बनेगा, साइकिल पार्किंग है, मोटरसाइकिल पार्किंग है, कार पार्किंग है, बाइक पार्किंग है, सही पार्किंग अगर हो जाए तो उसके बाद नगोछा को दिक्कत ही खत्म। और जितने फोर व्हीलर है या टू व्हीलर है, जिसको बाहर निकलना हो बाईपास से निकल जाए, टेलीफोन एक्सचेंज से लिखे सीधे भवानीपुर निकल जाए, एनएससी ऑफिस से लेकर सीधे स्टेशन आ जाए, तो नगोछा में अगर फोर व्हीलर नहीं जाता है, ट्रैक्टर नहीं जाता है, कार नहीं जाता है, बाइक का पार्किंग हो जाता है, जाम समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। चलिए, गरीब जनता अगर सब्जी बेच रहा है, बेच रहे, क्या क्यों तंग करना है? सही बात। जिसको गाड़ी से निकलना हो बाइक बगल से निकलिए, साइड से निकलिए, बाईपास से निकलिए, झूठ मूठ का सब्जी वाले को तंग करना, कभी दुकान वाले को तंग करना, पार्किंग व्यवस्था कीजिए। मतलब पार्किंग पर काम, अगर बाइक पार्किंग, साइकिल पार्किंग, कार पार्किंग, ट्रैक्टर पार्किंग हो जाए शहर के किनारे किनारे, सारा जाम अपने आप। सबसे बड़ा मुद्दा नवगछिया के लिए अगर यूं बात करें, शिक्षा के लिए सेंट्रल स्कूल की स्थापना कराना पहली प्राथमिकता, दूसरा 100 बेडेड हॉस्पिटल की स्थापना कराना, तीसरा जाम से निजात दिलाना, चौथा पार्किंग की व्यवस्था कराना एवं रेलवे गेट पर एक फ्लाईओवर का निर्माण कराना, ऐसी बड़े बड़े योजनाओं को लेकर चुनावी मैदान में आने को तैयार बैठे हैं, देखते हैं। और कुछ इसके अलावा मन में? जो अपने पॉइंट छोड़ दिए, इसको जिला बनना चाहिए, जिला बनना चाहिए, जिला जरूर से जरूर बनना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्लाईओवर, पार्किंग, तमाम मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे और जनता का समर्थन लेंगे। लेकिन इससे भी एक बड़ा मुद्दा है, नवगछिया को जिला बनाने के लिए हर हाल में लड़ाई लड़ेंगे, नवगछिया को जिला बनाएंगे, 100 बेडेड हॉस्पिटल देंगे, सेंट्रल स्कूल की स्थापना करेंगे, नदी के समानांतर एक पार्किंग की व्यवस्था होगी एवं रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर का निर्माण कराने का लक्ष्य लेकर सुरेंद्र कुमार सुमन जी चुनावी जंग में नवगछिया से आने को तैयार बैठे हैं चेयरमैन के। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो कहा ही कहा था, जल्दी दबाओ।